Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So happy Navratri and happy Dashera आप सभी को. So आज की वीडियो जो होने वाली है ये दुर्गा अष्टमी एंड दशहरा मेकअप लुक पे है. एंड ये लुक बहुत ही ईजी और सिंपल वे में इसे मैंने क्रिएट किया है, जो आप बहुत ईजिली इसे क्रिएट कर सकते हो. सो अगर आपको जानना है कि इस लुक को मैंने कैसे अचीव किया है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निविया के मॉइस्चराइज़र एंड अपने पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट फॉर द प्राइमर हियर आई एम यूजिंग शुगर की पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. एंड ये बहुत अच्छा प्राइमर है, ये आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट कर देती है. नेक्स्ट हियर आई एम यूजिंग लैक्मे 925 की फाउंडेशन एंड इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड नेक्स्ट एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड आप देख सकते हो इसकी कवरेज गाइस, बहुत अच्छी कवरेज है एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे ये ब्लेंड भी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट फॉर दी कंसीलर हियर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की कंसीलर एंड इसे अपने अंडर आइज पे ब्रिज ऑफ द नोज एंड फोरहेड एंड यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लिप्स के अराउंड थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, उसे वहाँ पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड अपनी आईलिड पे. एंड नेक्स्ट सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ओके, नेक्स्ट अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिट मी की कॉम्पैक्ट एंड इसे अपने अंडर आइज पे एंड पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट फॉर दी ब्राउज हियर आई एम यूजिंग हिलेरी रोडा की आईब्रो पैलेट एंड उसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया अपने ब्राउज को फिल करने के लिए. एंड उसमें आपको एक एप्लीकेटर मिल जाती है जिसके हेल्प से आप अपने ब्राउज को इजिली फिल इन कर सकते हो. नेक्स्ट फॉर दी आई शेडो हियर आई एम यूजिंग ह्यूडा ब्यूटी की रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट एंड उसमें से ये रेड शेड पिक कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन शेड. इसे अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे एंड बहुत लाइट हैंड से ब्लेंड करूँगी. ओके, नेक्स्ट सेम पैलेट से मैं ये वाली शेड पिक करूँगी एंड इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस शिमर शेड एंड इसे अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन से जस्ट नीचे एंड अपने फिंगर की ही हेल्प से अप्लाई करूँगी. एंड यू कैन सी फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से शिमर्स अप्लाई हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम टेकिंग अगेन दिस शेड एंड इसे अपनी आउटर वी पे एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस टू शेड एंड उन दोनों को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से मैं ये ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस मैबलिन कलोसो लिक्विड लाइनर एंड इसे बेसिक सा एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी.
नेक्स्ट फॉर द मस्करा हेयर आई एम यूजिंग मेबलिंग हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्करा एंड इसे अपने अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। एंड मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट फॉर दी फेस कॉन्टोरिंग हेयर आई एम यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक की कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्रॉन्जर इन द सेट 01 टॉप एट टॉपर। इसे अपने हॉल ऑफ द चीक्स जॉ लाइन फोरहेड एंड नोज पे अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट फॉर द ब्लश हेयर आई एम यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक की कॉन्टोर द फोर्स मिनी ब्लश इन दिस शेड 05 कॉरल क्लाइमेक्स एंड इसे अपने दोनों चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट फॉर द हाइलाइटर हेयर आई एम यूजिंग मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दिस शेड मॉल्टन गोल्ड एंड इसे अपने हाइएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट फॉर द लिप शेड हेयर आई एम यूजिंग कलर एसेंस की लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक एंड गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रेड लिप शेड है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये लिपस्टिक। नेक्स्ट एंड लास्ट अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड हेयर इज द माई फाइनल लुक। आई होप ये दुर्गाष्टमी एंड दशहरा मेकअप लुक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसी लगी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन टेक केयर बी सेफ बी हैप्पी बाय।